सर व्यापार नहीं है ये, सर गौशाला ही जाते हैं ये हम। आप व्यापार चला रहे हो ये पूरा? नहीं, ये कोई व्यापार नहीं है, व्यापार है। अगर आप खरीद फरोख्त कर रहे हैं तो ये रोटी नहीं, आप ये गलत कह रहे हैं, ये व्यापार नहीं है। क्या है फिर सर इसमें? मैं इन गरीब क्या है खरीद के, क्यों खरीदते हो आप अगर ये व्यापार नहीं है तो? सर गौशाला के लिए जाती है, गौशाला के लिए फ्री में देंगे ये रोटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पत्र, मेरा नाम है विनोद शर्मा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गायें पशुओं को लेकर जितने सजग हैं, आज मैं आपको एक दूसरी भी खबर दिखाने जा रहा हूं। जो व्यक्ति गाय के नाम पर रोटी दान करता है, जो व्यक्ति गाय के नाम पर गाय के लिए निवाला निकालता है अपने घर के खाने से पहले, उस रोटी का आखिर होता क्या है? ये आप जरा कांटा देखिए, आप आज हैरान रह जाएंगे कि आखिर ये पूरा बड़ा रैकेट है। ये कांटा देखिए, यहाँ पर ये कांटा है जिस पर ये इस तरीके से रोटी है। आप ये तस्वीरें जरा देखिए, जो आप दान करते हैं उस दान का होता क्या है। ये तस्वीर है जरा, आप जरा ये एक मिनट रुकिए भैया, रुक जाओ, रुक जाओ। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, ये रोटी है जो आप दान करते हो गाय के लिए, लेकिन उस रोटी का किस तरीके से यहाँ पे सौदा हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये देखिए पूरा ट्रक यहाँ से भर के जाता है। ये देखिए तस्वीरें, आज मैं आपको ये खबर इसलिए दिखा रहा हूँ कि रोटी के जो रोटी गाय के निवाला है, जिसको लोग दान भी करते हैं, लेकिन उस रोटी की खरीद फरोख्त आती। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित है। अंकित जी, क्या है पूरा सिस्टम, क्या है ये? सर ये गरीब आदमी है, कबाड़ी है, कबाड़े जो गाड़ी यहाँ पे डलती हैं, ये लोग मेहनत करते हैं, रोटियां निकालते हैं इनमें से। ये रोटी बेची जाती है, खरीदी जाती है क्या? हम इनसे खरीद के ये रोटियां गौशाला ही पहुंचाते हैं। ये रोटी घर से पका के ला रहे हैं क्या? नहीं, ये पका के नहीं, इस कबाड़े में से छांट रहे हैं। कबाड़े में रोटी निकलती है क्या? हाँ जी। क्या बात कर रहे हो यार? सर इस कबाड़े से रोटियां निकाल रहे हैं। ये कबाड़े की रोटी थोड़ी है, ये आप जो कहानी बता रहे हो, ये दिखाओ जरा जी। नहीं नहीं, इनसे क्या पूछना, आप ये पूरा व्यापार चला रहे हो क्या? सर व्यापार क्या है? ये व्यापार आप चला रहे हो? सर व्यापार नहीं है ये, सर गौशाला ही जाते हैं ये हम। आप व्यापार चला रहे हो ये पूरा? नहीं, ये कोई व्यापार नहीं है, व्यापार है। अगर आप खरीद फरोख्त कर रहे हैं तो ये रोटी? नहीं, आप ये गलत कह रहे हैं, ये व्यापार नहीं है। क्या है फिर? सर इसमें मैं इन गरीब, क्या है खरीद के, क्यों खरीदते हो आप अगर ये व्यापार नहीं है तो? सर गौशाला के लिए जाती है, गौशाला के लिए फ्री में देंगे ये रोटी। गौशाला के लिए खरीदने की क्या जरूरत है? गौशाला के लिए लोग दान? सर ये इतनी मेहनत करेंगे तो इनको तो कुछ? गौशाला के लिए योगी जी दान कर रहे हैं, गौशाला क्या पर सरकार नहीं देखेगी गौशाला की? आप देख रहे हो सर, योगी जी भी देख रहे हैं, सब चीज देख रहे हैं। ये ट्रक में लोड होके कहाँ जा रही है? सर गौशाला के लिए जा रही है। गौशाला जा रही है सर, यहाँ पे भी आगे के पास फोटो है, गौशाला जाती है रोटियां। नाओ दिखाओ आप, फोटो नहीं है सर, दिखाओ वीडियो दिखाओ आप। ये क्या नाम है आपका? अंकित नाम है। अंकित जी बता रहे हैं ये गौशाला जाती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रोटियों की खरीद फरोख्त ये एक बड़ा रैकेट है। लेकिन ये तस्वीर आज देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि किस तरीके से जो रोटियों का एक बड़ा खरीद फरोख्त का सिस्टम यहाँ पर शुरू है, ये पूरा एक ट्रक है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांटा क्यों रखा गया है? क्या गाय माता कांटे से तुलकर रोटी खाएगी? ये बड़ी बात है। ये कांटा जो आप देख रहे हैं, ये कांटे पर रोटी तोली जाती है। अब ये बड़ा सवाल है कि क्या गाय जो माता जो है, गौ वंश जो है, गौ माता जो है, जिसकी लोग पूजा करते हैं, ये पूरा रजिस्टर आप देख रहे हैं उनके हाथ में, ये पूरा सिस्टम जो है पूरा लिखित पढ़त होता है। ये रजिस्टर आप देखिए, ये इधर रोटी देखिए, ये इधर सबसे बड़ी बात तो यह है, ये देखिए सामने ये गाड़ी में लोड होके कहाँ जा रही है, किस लिए खरीदी जा रही है, किस लिए बेची जा रही है, कांटे पर तोल क्यों हो रही है, कांटे पर रोटी की तोल, आखिर ये सिस्टम क्या है? ये बहुत बड़ा क्या रैकेट है कि गाय माता के निवाला जो आप लोग दान करते हैं, उस गाय माता के निवाले को किस तरीके से, देखिए पूरा जो ट्रक है वो लोड हो रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, अंकित जी हैं, अंकित जिन्होंने बताया, हालांकि वे कह रहे हैं कि ये गौशाला के लिए जा रही हैं, लेकिन उनके पास कोई वीडियो कोई फोटो। कितने साल हो गए अंकित जी गौशाला के लिए रोटी जाते हैं? सर 4 दिन हुए हैं अभी मेरे को तो। 4 दिन हुए हैं जी। तो 4 दिन में आप कौन कौन सी गौशाला रोटी जाती हैं? सर एक ही गौशाला जाती हैं। कौन से वाली? सर एक पहले छोटी सी गौशाला यहाँ पे थी और एक यहाँ पे आपके 62 में। अच्छा, कोई फोटो कोई वीडियो आप गाय के लिए कर रहे हैं? कोई वीडियो? मैं खास नौली में 4 दिन से काम कर रहा हूँ बस मैं। ये
आपसे पहले कौन करता था यहाँ पे? जो भी करते थे मुझे उनके बारे में नहीं पता। अच्छा, तो कोई वीडियो कोई साक्ष्य तो होगा आप गौशाला के लिए रोटी लेके जा रहे हो? आपत्ति नहीं है गौशाला के लिए रोटी आप लेके जा रहे हो, लेकिन क्या गौ माता क्या तोल के रोटी खाती है? 250 ग्राम इसकी है। गरीब आदमी उसे तोल के लेता हूँ, बाकी आगे का ऐसा कुछ मैटर नहीं है। ये मेहनत करते हैं कबाड़े में से रोटियां निकाल रहे हैं, तो बस इनको इनका मजदूरी दी जाती है और कुछ नहीं है। हम लोग ये भी बड़ी बात है कि आखिर रोटी के नाम पर कौन सा व्यापार है ये? ये कांटा लगभग कितना वजन हो जाता है जी एक बार में इसमें? चल हो जाता है 200-300 किलो। 200 किलो एक बार में वजन। अब ये जो रोटी आपने तोली है टोटल ये कितनी होंगी सर? ये है 4 क्विंटल है। 4 क्विंटल जी। 400 किलो जी। तो आप कितने पैसे देते हैं इनको? सर इनको किलो के हिसाब से पैसे दे देते हैं। कितने रुपए किलो भैया जी? लगभग कितने रुपए किलो? 8 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए? सर इस चीज का मुझे वो नहीं है। ये एक बड़ा खेल है जो रोटी के नाम पर चल रहा है। गौ माता जो गायें हैं, जो गौ माता है उसका निवाला किस तरीके से ये देखिए ट्रकों में भर भर के आखिर कहाँ जाता है ये समझ नहीं आ रहा। लेकिन बड़ी बात यह है ये लगभग 100 किलो तो एक बार में तोलने का कांटा, यानी कि 1 क्विंटल का एक कांटा, और ये कांटे पर अभी अंकित जी ने बताया ये 400 किलो रोटी है, यानी कि 4 क्विंटल ये रोटी है। और इसी तरीके से मुझे लगता है कि कई बार इस तरीके से ट्रक आता होगा। कितनी बार भर जाती है अंकित जी सुबह से लेके? मैं एक बार जाती है सर यहाँ से। दिन में एक बार? जी दिन में एक बार 4 क्विंटल। हालांकि अभी ट्रक भरा नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल यही खड़ा हुआ है कि आखिर गौ माता के निवाले को क्यों बेचा जा रहा है, क्यों खरीदा जा रहा है? जो गौ माता, जिस गौ माता के लिए आम आदमी रोटी निकालता है, जिस गौ माता के लिए आम आदमी सुबह अपने खाने से पहले गौ माता के नाम पर रोटी निकालता है, वो रोटी आखिर किस तरीके से उसका व्यापार चल रहा है? और ये पूरी जो प्रकरण है, ये पूरा जो खेल चल रहा है, ये गाजियाबाद का खोड़ा नगर पालिका परिषद, और पीछे मैं आपको डिपो दिखाऊं, ये गाड़ियों का डिपो है, और डिपो के ठीक पीछे ये खत्ता है, ये तस्वीरें जरा देखिए, और इस खत्ते के पीछे ये जो खेल है ये पूरा शुरू हो रहा है। देखिए रोटी बिल्कुल ये तुल गई, लगभग 12 किलो 380 ग्राम या 12 किलो के आसपास ये भी रोटी का जो कट्टा है ये तुल चुका है। यानी खेल जो है ये रोटी का जो खेल है ये व्यापार किस तरीके से बना दिया गया है ये बड़ा सवाल है। और बड़ा सवाल ये भी है कि एक उत्तर प्रदेश में एक तरफ तो योगी जी बात करते हैं गौ वंश को बचाने की, गौ माता को बचाने की, लेकिन गौ माता के लिए जो लोग रोटी दान करते हैं उस रोटी की यहाँ पर किस तरीके से आप देख सकते हैं खरीद फरोख्त हो रही है, और रोटी का एक बड़ा व्यापार यहां से चलाया जा रहा है गाजियाबाद का खोड़ा नगर पालिका, और खोड़ा के डिपो के ठीक पीछे की ये घटना देखिए हिसाब किताब चल रहा है। ये बकायदा लिखा जाता है कि कौन कितनी रोटी बेच रहा है और किस रेट पे ये रोटी बेची जा रही है।